सो है गाइस यार, वेलकम बैक। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, बिकॉज यार मैं बहुत दिनों से यूट्यूब के ऊपर इनएक्टिव था। सो लिटरली यार बहुत दिन हो गए, लेकिन अब से मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस आज हमारे पास बहुत ही ढासो न्यूज है। सो यार अब पोकेमोन जर्नीज का न्यू ओपनिंग सॉन्ग रिलीज हो चुका है। भाई उस सॉन्ग में ऐसे ऐसे हिंट्स लगे हुए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि ऐश का रियो इवॉल्व होने वाला है, गो जेपडोस पकड़ने वाला है एंड ऐश इटरनेटस को पकड़ सकता है। सो यार मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा हाइप है। सो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की इस सॉन्ग में कि भाई कुहारू ने अब ऐश एंड गो की टीम को ज्वाइन कर लिया है, अब वो भी ट्रेवल कर गया ऐश एंड गो के साथ। एंड सेकंडली यार इस सॉन्ग में ऐश एंड गो एक तरफ दौड़ रहे होते हैं एंड फिर हम लोग को दिखाया जाता है लेजेंडरी। सो यार हम लोगों को यहाँ पर सारे रीजन के लेजेंडरीज दिखाए जाते हैं, इसका मतलब ऐश एंड गो सारे रीजन में ट्रेवल करने वाले है एंड इसमें से ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ लेजेंडरीज ऐश पकड़ सकता है एंड कुछ गो भी पकड़ सकता है, लेकिन इसके बहुत ही कम चांसेस है। सो यार स्क्रीन में हम लोग को सारे लेजेंडरीज दिखाए जाते हैं, सो ऐसा हो सकता है कि ऐश एंड गो इन सारों से मिले एंड हो सकता है कुछ को पकड़ भी ले। सो एक्स वाई के भी लेजेंडरीज हम लोग को दिखाए जाते हैं, सो इसका मतलब ग्रेंजर रिटर्न के भी कुछ चांसेस है एंड यहाँ पर हम लोग को सोल गैलियो भी दिखाया जाता है एंड फाइनली गैलर के लेजेंडरीज भी हम लोगों को दिखाए जाते हैं। फिर भाई ऐश एंड गो एक मैप लेकर बैठते हैं एंड प्लान करते हैं कि सबसे पहले कौन से रीजन में जाना है। तो मेरे हिसाब से वो कैंटो से शुरू करेंगे एंड भाई बाद में बहुत अजीब चीज होती है, गो के बाजू में तीन पोकेबॉल्स होते हैं एंड उसके साइड में म्यू होता है। सो मुझे नहीं लगता कि गो म्यू को कैच करेगा, लेकिन इसके बाद की चीज बहुत ही अजीब थी यार। गो के एक पोकेबॉल में से निकलता है जैपडोस। जी हाँ यार, शायद गो ने पकड़ लिया है जैपडोस को। भाई मुझे तो लगा था इसमें से पिकाचू निकलेगा, लेकिन नो वरीज। और उसके बाद जैपडोस के बाजू में दो लेजेंडरी बर्ड्स भी दिखाए जाते हैं एंड फिर एक पोकेबॉल दिखाई जाती है जो कि एक ट्रेनर के पैर के पास पड़ी रहती है एंड बाद में ऐश एंड गो कुछ मैचेस लड़ते हैं एज वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड उसके बाद यार ये तीन जोकर दिखाए जाते हैं। ऑफकोर्स यार इन तीनों के बिना तो पोकेमोन कभी पूरा हो ही नहीं सकता। सो टीम रॉकेट भी नई नई टेक्निक्स लेके आएंगे एंड बाद में हम लोग को दिखाई जाती है ऐश की टीम, तो यार देख लो। एंड बाद में दिखाई जाती है गो की टीम एंड इसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है इटरनेटस। एंड भाई सबसे स्ट्रेंज चीज जो मैंने नोटिस की, गो के सामने खड़ा है सिंड्रस एंड ऐश के बाजू में लुकारियो। सो लिटरली यार ऐश का रियोलो इवॉल्व हो चुका है। सो मुझे पता है इस न्यूज को सुनने के लिए आप में से आधे से ज्यादा लोग यहाँ आए होंगे। सो भाई फाइनली कंफर्म हो चुका है कि रियोलो इवॉल्व होने वाला है। फिर हम लोगों को लियोन एंड रेयान दिखाए जाते हैं एंड फिर भाई ये देख लो ये लोग रिटर्न करने वाले है। सो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं ये सारे लोग रिटर्न आने वाले, इतना कंफर्म है। सो बाकी के राइवल्स एंड हीरोज का तो हमें नहीं पता, लेकिन इतने कंफर्म है। एंड भाई और कुछ अच्छा तो था नहीं, बस लास्ट में हम लोग को दिखाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यार अगर तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता, सो जो लोग पोकेमोन सॉर्ड एंड शील्ड गेम खेलते हैं उनको जरूर पता होगा, यहाँ पर होता है जैसियन एंड जेमेजेंटा। सो ये भी पॉसिबल है कि ऐश इटरनेटस को न पकड़ते हुए जैसियन एंड जेमेजेंटा को पकड़े। भाई आपको क्या लगता है, मास्टर बॉल में से ऐश को किसे पकड़ना चाहिए, इटरनेटस या जैसियन और जेमेजेंटा में से कोई एक? सो भाई लास्ट में तो हम लोग को दिखाया जाता है बी। सो आई होप आप लोगों को पता होगा कि बी और ऐश की मैच होने वाली है। सो ऐश वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंटर करता है एंड फर्स्ट गैलर जिम लीडर के अगेंस्ट पहला मैच लड़ता है। सो भाई इतना ही था इस पोकेमोन जर्नीज के थीम सॉन्ग में, जिसे हम लोग एक्चुअली सब सीजन भी बोल सकते हैं, यानी एक तरह से नया सीजन स्टार्ट होने वाला है पोकेमोन जर्नीज का ही सब सीजन। सो भाई अगर आप लोगों ने अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, दोनों बटन को तोड़ डालो एंड ऐसे ही न्यूज में आप लोगों को देता रहूंगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल मारो और खुश रहो।